मूल्यांकन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, या किसी आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम कह लीजिए कि एक दृष्टा भाव से खुद को देखना शुरू करते हैं, अपने आप को देखना शुरू करते हैं, जिसमें कहते हैं दृष्टा भाव से कि मान लीजिए मेरे ऊपर एक मैंने ही कैमरा लगा हो और मैं उससे अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, जब मुझे गुस्सा आता है तब मैं कैसा व्यवहार करता हूँ, कैसे रिएक्ट करता हूँ, हम इतना जागृत रह पाते हैं क्या? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हम जागृत रहें और हम खुद को हमेशा देख रहे हैं अपने आप को, तो शायद हम गुस्सा हो ही ना, या हम ऐसे न फट पड़े जैसा हम पढ़ते हैं, या ऐसी बातें न बोल जाएं जैसा हम बोल जाते हैं। ये एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में भी जीवन को एक देखने की दृष्टि है कि आप अपने आप को एक कर्ता के रूप में, एक एक्टर के रूप में आप अपने को ही देखें, कॉन्स्टेंटली देखें। ये एक एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य है, एक साहित्यिक परिप्रेक्ष्य और एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य हमारे सामने है। क्या लगता है कि इस पे बात करना दिलचस्प हो सकता है? इस बात को हम इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, जैसी आप लोगों की अनुमति होगी। आप लोग मुझे सुन तो पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो एक सवाल आप लोगों का बहुत ही अच्छा लंबा अनुभव है रंगमंच का। अगर एक सवाल पूछा जाए कि जब कोई अभिनेता या अभिनेत्री कलाकार स्टेज पे होता है, किसी कैरेक्टर को प्ले कर रहा होता है, उसे पता होता है, उसे उसके डायलॉग पता है, उसकी भूमिका उसको पता है, स्टोरी में उसका लोकेशन उसको पता है, तो उस समय वास्तव में जब वो स्टेज पे जाता है या आप जब जाते हैं एक अभिनेता के रूप, तो आप उस समय कौन होते हैं? अगर एक सवाल पूछा जाए, आप उस समय कौन होते हैं, क्या होते हैं उस समय जब आप स्टेज पे परफॉर्म करने जाते हैं उस किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को? तो बेटा आप अपना जो अनम्यूट वाला जो है वो उसको अनम्यूट करके सवालों के आदान प्रदान को चालू रखिए। जिन्हें लगता है उनको जवाब देना चाहिए वो प्लीज जवाब दीजिए। जब आप स्टेज पे होते हैं, किसी कैरेक्टर को प्ले कर रहे होते हैं, तो एक सामान्य सा जवाब हो सकता है कि मैं तो वो कैरेक्टर हूं, मैं उसको प्ले कर रहा हूं। लेकिन एक बार फिर से सोच के बताइए कि जब आप उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं तब आप कौन हैं? कभी आपने सोचा है इसके बारे में? क्या हमको लगता है कि हम एक कैरेक्टर हो सकते हैं? उस क्षण में हम पूरी तरह से वो कैरेक्टर हो सकते हैं, हम में वो कैपेसिटी है एज ए ह्यूमन एजेंसी, एज ए ह्यूमन बीइंग, हम में वो कैपेसिटी है कि एक गिवन कैरेक्टर जो हमें एक निर्देशक ने, एक पटकथा लेखक ने हमें ब्रीफ किया है, वो मैं हो सकता हूँ उस स्टेज पे? ये पूरे कॉन्फिडेंस से क्या हम कह सकते हैं? कम से कम हाँ या ना में तो मैं जवाब चाहूंगा इस प्रश्न। नहीं सर, मैं तो नहीं। इसका क्या कारण होता है? जी जी, जो जैसा मैं सोचती हूँ जी, मैं बोलूँ क्या? जी जी प्लीज। जैसा मैं सोचती हूँ कि हम वो, जी बिल्कुल जी, नमस्ते जी। नमस्कार। मेरे हिसाब से एक जो चरित्र हमें दिया गया है स्टेज पर प्ले करने के लिए जी, हम वो तो अभिनीत कर रहे होते हैं, लेकिन एक चरित्र हमारे भीतर होता है जो चल रहा होता है लगातार। हम वहाँ चरित्र को प्ले तो जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन एक अंतर्द्वंद हमारे अंदर भी चल रहा होता है। तो इसलिए जो चरित्र प्ले किया जा रहा है वो सिर्फ रिहर्सल होती है, हम दरअसल वो होते नहीं है वो चरित्र जो प्ले किया जा रहा है, जो हमारे द्वारा अभिनीत किया जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये एक, अगर ये ईमानदारी से, जितनी ईमानदारी से आपने ये बात कही है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये एक सीमा, अगर एक एक लिमिटेशन हमको अगर इसकी मालूम है कि वास्तव में हम हमारा जो अपना जो सेल्फ है या अपनी जो आइडेंटिटी है, अपना जो चिंतन है, अपना जो व्यक्तित्व है,
वो हम इसका मतलब है कि वो हमें लिमिट करता है और हमने जो रिहर्सल किया है हम वो वही होंगे वहां पे। अब ये एक बड़ा प्रश्न है कि अगर हम एक केवल रिहर्सल करके और उसको हम एक 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 कृत्रिम तरीके से किसी चीज को हम पोर्ट्रे कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, उसमें कितना वजन आएगा, उस अभिनय में कितनी जीवंतता आएगी, ये एक कलाकार की बड़ी कसौटी है। आप लोग यहाँ बड़े बड़े निर्देशक हैं हमारे बीच में हैं, वो सभी जानते होंगे कि हम तो कहते हैं कि कितना जीवंत चित्रण है, उन्होंने तो बिल्कुल उसको जीवंत कर दिया, उस किसी कैरेक्टर को जीवंत कर दिया। तो क्या ये केवल रिहर्सल से संभव है? क्या ये केवल रिहर्सल से संभव है? नहीं सर। क्या जी, तो फिर वो और क्या चीज होती है? मैं थोड़ा सा उसके बाद हम विस्तार से बढ़ेंगे आगे। मैं चाहता हूँ कि थोड़े से इनपुट्स आए, जैसे तुलिका जी का एक बहुत ही सुंदर ये इनपुट आया, उन्होंने बहुत ईमानदारी से कहा, लेकिन उससे आगे की बात यही है कि अगर हम केवल रिहर्सल के जरिए क्या कोई अभिनेता किसी कैरेक्टर को जीवंत कर सकता है, और वो क्या चीज होती है या हो सकती है? जी सर। जी नमस्ते जी सर। जी काशिकर जी नमस्ते जी। जी बसंत सर आप बता रहे हैं? नहीं नहीं आप बताएं फिर मैं बताऊंगा। सर जो कैरेक्टर हम अपने अंतरात्मा में कैद किए होते हैं, उस दूसरे कैरेक्टर की सर मानसिक स्थिति को लेकर हम अपने भीतर से वो चीजें निकालते हैं। जी जी बहुत अच्छा जी राशिकर साहब। सर क्या होता है जब हम स्टेज पे पहुंचते हैं, जब हम रिहर्सल करते हैं, तो जैसे संगीत में रियाज किया जाता है ऐसे नाटक में रिहर्सल रियाज होता है। हम उस कैरेक्टर में घुसते हैं। जब हमारा शो रहता है तो हम सबकॉन्शियस लेवल में रहते हैं जी। यदि सबकॉन्शियस लेवल में नहीं रहेंगे तो हम वो कैरेक्टर नहीं कर पाएंगे। कॉन्शियस रहेंगे, मैं हाथ कहाँ रखूं, पैर कहाँ रखूं, ये कहाँ रखूं, पर जी, उस कैरेक्टर में पहुंचने के लिए स्क्रिप्ट के अलावा जी, स्क्रिप्ट में जो दिया है कैरेक्टर वो तो हम पकड़ते हैं, पर उस कैरेक्टर के जीवन, उसका पास्ट, उसका फ्यूचर, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी उम्र, सारा एनालाइज करके फिर हम उस कैरेक्टर के नजदीक पहुंचते हैं अपने अनुभव के आधार पर। हमने जो आदमी पढ़ा है, हमने जो समाज पढ़ा है, उसके हिसाब से एक नया किरदार, लेखक के किरदार, गढ़े हुए किरदार से अलग एक किरदार हम गढ़ते हैं, फिर उसको हम सबकॉन्शियस लेवल पर उसको प्ले करते। ये एक और एक नेक्स्ट लेवल की बात है जो अभी काशिक प्रसाद ने कहा, और इसी तरह परत दर परत बातें खुलती जा रही हैं कि एक एक लेखक ने एक, हो सकता है कि वो इमेजिनरी कैरेक्टर भी है जो उसने गढ़ा है, वो एक बिल्कुल ही फिक्शनल कैरेक्टर है जो उसने गढ़ा है। अब इसमें एक और एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद इस पे और हम जाएंगे। मान लीजिए एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसको कि एक लेखक ने गढ़ा है, तो उसका एक एक सीमा तक उसने उसको व्याख्यायित किया है, जैसे आपने जितने सारे कंडीशन कहे कि उसकी उम्र, उसका सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन, उसका कैरेक्टर के बाकी सारे आयाम उसने हो सकता है लिखा भी है या निर्देशक ने उसको अपनी तरह से उसको एनालाइज किया है और उसने उसको ब्रीफ किया है उस एक्टर को कि देखो इसका ये सारी चीजें हैं, तुमको ये सारी चीजें इंटरनलाइज करके और तुमको फिर ये एक्ट करना है उसमें, ठीक है? ये एक बात है। तो ये एक फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में, ठीक है? मान लीजिए हम किसी एक जीवित कैरेक्टर को, जो एक जीवित कोई कैरेक्टर है, उसको मुझे पोर्ट्रे करना है, ठीक है? और वो दर्शक दीर्घा में वो बैठा है, कोई ऐसे होते हैं ना, हम बहुत सारे ऐसे नाटक बनाते हैं किसी जीवित व्यक्ति, महान व्यक्ति के ऊपर मान लीजिए कुछ हमने बनाया, और वो व्यक्ति हमारा मूल्यांकन करने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठा है, वो भी देख रहा है उस चीज को, और मुझे उसको पोर्ट्रे करना है स्टेज पे जाकर। तो उस समय वो क्या चीज होगी? ठीक है, आपने कहा कि हम कॉन्शियस नहीं होंगे,
हम एक सब कॉन्शियस स्टेज में होंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस हमें कहाँ आएगा जब एक वो दृष्टि हमें देख रही हो, घूर रही हो, जज कर रही हो, जिसको मैं खुद पोर्ट्रे करने के लिए वहां पे आया हूँ। उस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लीजिए इसको, तो उस समय क्या स्थिति होगी मेरे मन की, क्या उस समय भी मैं सब कॉन्शियस लेवल पे, जबकि वो आंखें मुझे घूर रही हैं कि मैं गीतांजलि को पोर्ट्रे कर रहा हूँ, गीतांजलि जी को मुझे स्टेज पे पोर्ट्रे कर रहा है और वो मुझे जज कर रही है, इवेल्युएट कर रही है, उस समय मेरी क्या स्थिति होगी? देखिए, जब जीवित व्यक्ति को हम पोर्ट्रेट करते हैं तब ज्यादातर लोग मिमिक्री में चले जाते हैं, मिमिक्री करने लगे। मिमिक्री करने में यदि सामने वो व्यक्ति बैठा है, हमें एक डर रहता है कि कहीं इसको बुरा ना लग जाए किसी चीज को। तो हम लोग जब किसी जीवित व्यक्ति को निकट से उसके कैरेक्टर को पकड़ते हैं, तब हम उसकी दूसरे पक्ष को देखते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि इसकी मिमिक्री ना हो, तो इसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका स्वभाव, उसकी भाषा, उसकी बोलचाल, और वो कौन सा समग्र प्रभाव है जिसके कारण हमें प्रभावित किया कि इस कैरेक्टर को हमें करना चाहिए, तो उसके नजदीक पहुंचते हैं, उसको मिमिक नहीं करते, तो कोई डर नहीं रहता। ये जी गीतांजलि जी, आपको सर मुझे लगता है कि किसी जीवित व्यक्ति का को स्टेज पर दिखाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। उस वक्त हमें कहीं ना कहीं वो दो आंखें जो घूरती है ना, वो अंदर से डराती भी है कि एक अंदर डर रहता है कि क्या ये सही है या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। और ये सच है कि किसी जीवित व्यक्ति को सामने बिठाकर उसके जीवन को मंच पे दिखाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, और यदि कोई ऐसा कर जाता है तो वो सात्विक अभिनय से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, तो ये एक बात आई। हम अब मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सा अब हम जाते हैं आगे। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। जी जी, मैंने एक नाटक किया था, रानी नागफनी की कहानी, परसाई जी का। परसाई जी का जी, उसमें कैरेक्टर एक कवि है। तो परसाई जी आज के आधुनिक कवियों के बारे में कविता लिखते हैं, उस कविता को वो कवि आके राजकुमार के सामने पढ़ता है। हमने एक कैरेक्टर, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उस कैरेक्टर को मैंने रिहर्सल के दौरान पकड़ाया था अपने पात्र को। तो मैंने इसको करो, लेकिन उसकी मिमिक्री नहीं कर। अब उसके नजदीक पहुंचे उसका, तो वो लगातार उनके घर गया। तो मैंने बोला उनकी वो चीज पकड़ो जो आपको प्रभावित करे। अब वो उस दिन शो के दिन वो सामने की रो में बैठे हुए थे। मैंने आके अपने एक्टर से पूछा एंट्री के पहले, मैं जाके लाइट पे बैठ रहा था, मैं जाके वहां पूछा कि तुम्हें डर तो नहीं बैठ रहा फला फला वो बैठे हुए सामने? बोले नहीं सर, मैंने उनका वो पक्ष पकड़ा है जो उनको भी नहीं मालूम। उस पक्ष को जब मैं करूंगा तब उनको भी अच्छा लगेगा, ताली पहली ताली वो बजाएगी। और ये हुआ। बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक बात इसमें से निकल के आई जिसपे मैं आ ही रहा था, और काशिकर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कह दी कि एक एक्टर किसी कैरेक्टर में जाने के लिए उस एक तो अगर वो फिक्शनल कैरेक्टर है तो उसकी स्टडी करता है बाकी तरह से, लेकिन एक अगर जीवित कैरेक्टर है और उसको जीवंत करना है मान लीजिए, तो या कोई इतिहास की ऐसी घटना है या कोई हिस्टोरिकल ऐसा व्यक्तित्व है, इतिहास की ऐसी घटना है, कोई व्यक्तित्व है, ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, तो उसके लिए तो ये जो प्रणाली है कि मैं जा करके उसको देखूं, यानी हम थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके कुछ अतिरिक्त मेहनत करते हैं उस कैरेक्टर को जीवंत बनाने के लिए, तमाम तरह के प्रयास करते हैं जिसको कि थिएटर की भाषा में या सिनेमा की भाषा में जिसको मेथड एक्टिंग, जो कुछ 1930 के दशक में जब से ये रियलिज्म का, यथार्थवाद का हम शुरुआत की शुरुआत हम मानते हैं, और खास करके यथार्थवाद में भी जो एक धारा, हालांकि वो कोई अलग धारा नहीं है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल रियलिज्म जिसको हम कहते हैं, एक मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद कहते हैं, क्योंकि किसी भी कैरेक्टर में प्रवेश करना, यानी हम मानते हैं कि उसके मन में प्रवेश करना, उसके मानस में प्रवेश करना, ताकि एक बार अगर मुझे वो सूत्र पकड़ में आ गया, तो चूंकि हमारा माइंड
एक आम जिंदगी में हमारा मानस ही हमें रूल करता है, एक बार वो सूत्र पकड़ में आ जाए तो शायद मेरे कैरेक्टर में सहजता आ जाएगी। लेकिन ये पकड़ना एक कम किसी साधना से कम नहीं है, जैसा कि आप सभी लोग साधक ही हैं, बहुत बड़े साधक ही होते हैं रंगमंच के कलाकार, और जो इस साधना में जितना गहरे उतरता है उसको इतनी अनुभूति होती है। ये एक बात है। तो जब ये साइकोलॉजिकल रियलिज्म जिसकी हम शुरुआत कहते हैं, और ये एक रूस के बहुत बड़े जो उनका नाम मैंने कहीं लिखा है, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, तो ये कॉन्स्टेंटिन स्टेनिलास्की एक हुए जी, स्टेनिलास्की जो जिन्होंने इस पे बहुत काम किया, उन्होंने थिएटर में ट्रेनिंग में बहुत सारी नई चीजों को लाया था। तो उनकी राइटिंग्स में देख रहा था इसके ऊपर, क्योंकि मैं थोड़ा सा मनोविज्ञान का छात्र रहा हूँ, पढ़ता हूँ, तो उसमें उन्होंने कहा है, उसमें एक दो चीजों में उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है। एक उन्होंने कहा है कि आर्ट ऑफ एक्सपीरियंसिंग और आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि आर्ट ऑफ एक्सपीरियंसिंग और आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। शुरुआत में जब हम थोड़े से जब शुरुआत हमने किया था, जब जैसे तुलिका जी ने कहा कि हमें किसी चीज को रिहर्स करके, बार बार रिहर्स करके, कैरेक्टर को समझ करके, और हम उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने आते हैं स्टेज पे, तो शायद वो वाली चीज जो बाद में जो काशिकर साहब से निकल के आई है, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, ये आर्ट ऑफ एक्सपीरियंसिंग के लेवल पे चला जाता है जब, है ना, तब उसमें एक अलग तरह की सहजता और जीवंतता आ जाती है। तो ये एक समझ में आया कि ये एक नया दौर था और ये अब इस स्तर तक चला गया है जिसमें कि आप देखिए कि लोग कितना, मतलब आउट ऑफ द वे जाकर के क्या क्या नहीं करते हैं उस एक्टिंग में जीवंतता लाने के लिए। अगर सिनेमा की बात करें, हमारे यहाँ ही आप देखते हैं कि आमिर खान कैसी फिल्में बनाते हैं, उसमें वो कितना रिसर्च करते हैं, अपने शरीर के साथ कितने तरह के प्रयोग करते हैं, कभी वेट गेन करते हैं, कभी बहुत सारी तरह की चीजें कर रहे हैं। हॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे तमाम तरह के प्रयोग हुए हैं, और वहाँ तो ऐसे भी प्रयोग हुए हैं जिसमें कि हाल में मैं देख रहा था कि लियोनार्डो डिकैप्रियो ने एक फिल्म के लिए, जब उनको वहाँ के जो एबोरिजिनल्स हैं, जो रेड इंडियंस हैं, उनकी कोई भूमिका करनी थी, तो उनको कच्चा मांस खाना पड़ा, मतलब जबकि वो वीगन है, वो शाकाहारी हैं, लेकिन उन्होंने बाइसन का, जो वहाँ पे जंगली भैंसा होता है, उसका द रेवेनेंट जो फिल्म है जिसको 2015 में उसके लिए उनको ऑस्कर भी मिला है, तो उसमें उन्होंने वो खाया। तो कोई उस कैरेक्टर को इंटरनलाइज करने के लिए या आर्ट जो एक्सपीरियंस करने के लिए वो किस लेवल तक जाता है, इसकी एक बात की जाती है। हम हालांकि इससे आगे की बात करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं। ये एक बात होती है। कई बार क्या होता है, जैसा हम सभी जानते हैं, या आप तो शायद मुझसे ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि जब आप स्टेज पे, हो सकता है आपने बहुत लंबे समय से किसी कैरेक्टर को आप जीने की कोशिश कर रहे हैं, और होते 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 क्या कई बार ऐसा होता है क्या कि स्टेज से उतरने के बाद भी लगता हो कि मैं वही कैरेक्टर हूँ, मतलब मैं वैसा ही बिहेव कर रहा हूँ, वैसी ही बातें कर रहा जी, ऐसा होता है ना? होता है सर, किसी पात्र को अपने अंदर उतारने के बाद बहुत बहुत मुश्किल होती है उसे वापस निकालना। एग्जैक्टली मैंने अपने पति के हाथ से मार नहीं खाई है, या मैंने आफ्टर मैरिज के बाद यदि मैंने रेप जैसी स्थिति अपने द्वारा कभी मैंने अपने ऊपर कभी नहीं सहन करी, लेकिन मुझे ऐसे पात्र को जीना है जो भूखा भी है, मार भी खा रहा है, और उसके बावजूद भी एक आदर्श का आवरण हो रहा है, तो सबके लिए सर बहुत मानसिक काम करना पड़ता है। बहुत बहुत अंदर से हम अपने आप को तैयार करते हैं, बार बार ये रियलाइज करना पड़ता है कि मैं बड़ी पीड़ित हूँ, मैं बड़ी भूखी हूँ, मुझे मारा गया है, मुझे रात में मेरे साथ रेप किया गया, ये सारी चीजें तीन तीन चार चार महीने तक का दिमाग में चलती रहती है, तब पे जाके थोड़ा सा पात्र को हम पकड़ पाते हैं। जी जी, तो ये एक बड़ी बात है जिसमें आपने कहा कि किसी कैरेक्टर जाने के बाद उससे अगर हम गहरे चले गए, उससे निकल, और ऐसे भी देखे गए हैं कि
कि हाल का 10 साल पहले का एक ही घटना, जब आपने देखा होगा कि जो जो हीथ लेजर की जो जिन्होंने जोकर की भूमिका अदा की थी, तो वो उसमें इतने चले गए कि इतने परेशान हो गए अपने कैरेक्टर से, जो उन्होंने एक एक, एक साइकोपैथ किलर की जो भूमिका निभाई है उसमें, तो उसमें वो मतलब इतना निकलना उनको मुश्किल हो गया कि उन्होंने साइकेट्रिस्ट की सलाह लेनी शुरू की और सब कुछ किया, फिर भी नहीं निकल सके, तो उनकी मृत्यु हो गई। सिर्फ 28 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। हाल में मैं राजकुमार राव का इंटरव्यू पढ़ देख रहा था कहीं, तो उसमें वो कह रहे हैं कि एक एक फिल्म में उन्होंने आतंकवादी की भूमिका वो उन्होंने निभाई है, और वो उस भूमिका में इतने उतर गए कि जब पेरिस में आतंकवादी हमला हुआ तो टीवी पे उनके विजुअल्स देख के वो खुश हो रहे थे कि देखो कितना अच्छा हुआ, कितना अच्छा हुआ, क्योंकि वो उस टेररिस्ट की भूमिका को उन्होंने इतना इंटरनलाइज कर लिया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। एक एग्जाम्पल दिया जाता है द पियानिस्ट, जो एक मूवी थी जो कि एक एक होलोकास्ट सर्वाइवर पे बनी थी, जर्मनी में एक पॉलिश पियानिस्ट के ऊपर, और उसमें वो दिखाता है कि वो जब वो कैरेक्टर मतलब उस फिल्म को करने के बाद वो इतने परेशान हो गए कि नाजी कैंप्स में किस किस तरह से अत्याचार होता था जूस के ऊपर, तो वो इतना परेशान हो गए कि मतलब उनको बहुत लंबा वक्त लगा, बहुत लंबा उनका इलाज चला, तब वो इससे बाहर निकले। यानी हम शायद इतनी गहराई में चले जाते हैं, ये एक बात होती है, ये एक होती है। तो लेकिन अब हम आते हैं अपने मूल विषय पे, जिसके बारे में हमें ये अभी तक लगता है कि एक भूमिका ही थी, अब इससे आगे हमें बात करने में स्पष्टता होगी। हेलो, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा हटके, ताकि बाद में आपको सुन सकूं। मैं थोड़ा सा हटके बोल रहा हूं इससे कि एक्टिंग की जो आप कह रहे हैं इसमें दो थ्योरीज काम करती हैं, स्टैनिस्लावस्की, दोस्तोयेवस्की। इसके अलावा एक और जो मैंने अपने जीवन में बाद में ढाला, ब्रेस्ट की थ्योरी। ब्रेस्ट में क्या होता है कि आप चरित्र में वो उतना जोर नहीं देते हैं, उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर मुझे कहना है कि मुझे रोटी चाहिए, तो मेरे लिए चरित्र जरूरी नहीं है, उस वक्त मेरे लिए रोटी जरूरी है, तो मैं रोटी पर ज्यादा केंद्रित देता हूँ। इन दोनों धाराओं में फर्क भी है, स्टैनिस्लावस्की और ब्रेस्ट के अभिनय करने में। तो उस वक्त जी 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 चरित्र में घुसने में और स्टैनिस्लावस्की के चरित्र घुसने में, दोनों में काफी बड़ा फर्क है, और ये अलग भी होता है। तो ये एक अलग हटके थोड़ा थिएटर का जरिया भी है, ये थोड़ा सा आपको ऐड करना चाहूंगा। माफी चाहता हूँ मैं आपको बीच में डिस्टर्ब। नहीं नहीं, बहुत बहुत ही अच्छा ये जो आस्पेक्ट आपने कहा, जिसमें आपने कहा कि मैसेज इम्पोर्टेंट है और कैरेक्टर के पास शायद ये फ्रीडम है, कैरेक्टर के पास शायद ये फ्रीडम है एक्टर के पास कि वो उसको किस तरह से डिलीवर कर रहा है, आप शायद ये कहना चाहते हैं, और ये एक धारा रही है। शायद इसीलिए एक ही कैरेक्टर को जब अलग अलग अभिनेताओं ने अभिनीत किया है अलग अलग समय में, चाहे देवदास की कहानी ले लीजिए, कितनी बार देवदास फिल्म बनी है, तो एक कहानी अपने आप में, एक उपन्यास अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चीज है, लेकिन उसको एक अलग अलग डायरेक्टर का अलग अलग ट्रीटमेंट मिला है, या अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग एक्टर्स ने उसको अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट दिया है, जिससे ये शायद ये बात थोड़ी स्पष्ट हो सकती है। ये एक बात है, लेकिन अब जिस दिशा में हम जा रहे हैं, इन बातों पे एक सहमति है हम सबके बीच कि हम इन सब चीजों से परिचित हैं, अवेयर हैं, इसको जी रहे हैं, देख रहे हैं एक रंगमंच का हिस्सा होने के नाते। तो एक बात जो पिछले हालांकि ये मनोविज्ञान में तो एक लंबे समय से ये एक विवाद रहा, बहस का विषय रहा है, लेकिन जैसे हम सामाजिक चिंतन, समाजशास्त्रीय चिंतन में आते हैं और राजनीतिक चिंतन में आते हैं, तो उसने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है, कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, इसको प्रॉब्लमेटाइज किया है, जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ एजेंसी। जैसे मान लीजिए कि पारिक साहब हैं, पारिक साहब दलित नहीं है, लेकिन उनको एक दलित कैरेक्टर को जीवंत करना है रंगमंच पे, स्टेज पे, तो उनकी क्या क्या उनकी सीमाएं हो सकती हैं, क्या उनकी सीमाएं हो सकती हैं उसको उसको जीवंत करने में, उस कैरेक्टर को, क्योंकि पारिक साहब दलित नहीं है और उनको एक दलित कैरेक्टर को करना है। जी पारिक साहब जी, बिल्कुल बिल्कुल सीमाएं बिल्कुल हैं, क्योंकि
वो दलित को मैं पढ़ सकता हूँ, जी सकता हूँ, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे उसकी क्या विचारधारा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ओम पारिकी है, वो उसको जी रहा है, लेकिन उसकी बिल्कुल सीमाएं हैं, बिल्कुल सीमाएं हैं। कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है उससे बेहतर करे। नसरुद्दीन शाह किसी दलित की भूमिका करे, ओमपुरी करे, और राजकुमार राव करे, तीनों में फर्क आएगा, तीनों में फर्क आएगा। हर व्यक्ति सीमा है, क्योंकि वो व्यक्ति उससे हटता नहीं है, उसके भीतर से तो निकलता नहीं है, वो जितना चाहता है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। सिर्फ बेहतर एक्टर वही है जो उसको जिंदगी के आम बोलचाल की भाषा को, कैसे आदमी उठता है, बैठता है, चलता है, उसको देखे। दलित की जो स्थिति है वो आनी चाहिए। मेरा थिएटर के प्रति ये है अप्रोच, मुझे दलित से अच्छा मतलब नहीं है, दलित कैसा होता है ये आना चाहिए, ये जरूरी है। हाँ, और ये आने के लिए तो प्ले तो मैं ही कर रहा हूँ ना, तो इसको मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करके पूछ रहा हूँ कि एक दलित का कैरेक्टर नसीरुद्दीन शाह या ओमपुरी साहब या और कोई नहीं करके मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या एक दलित के कैरेक्टर को क्या एक जो अपने अपने जीवन में भी दलित है, क्या वो ज्यादा अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट कर सकता है, वो प्ले कर सकता है? जी नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि वो उस वक्त कॉन्शियस हो जाता है कि मैं स्टेज पे कर रहा हूँ, मैं ये एक अभिनय है इस पे कर रहा हूँ, वो अपनी सारी जो आम चीज है उससे वो हट जाता है, जो जिंदगी में रोजमर्रा में जो करता है वो एक फुल स्टॉप, एक कॉन्शियसनेस आ जाती है उसको। अगर ये नहीं कहा जाए कि तुमको अभिनय नहीं करना है, तुम अपने घर में कैसे रहते हो, कैसे करते हो, उसको अगर अनकॉन्शियसली कहा जाए तो ही इज एन बेटर एक्टर, एवरीबॉडी, कोई नहीं जी सकता उसकी तरह। लेकिन जब वो अगर अभिनय करेगा तो निश्चित रूप से वो नहीं कर पाएगा जो जिंदगी में करता है वो। अगर वो हो जाए तब तो ये मिरेकल है, ये तो फिर बहुत ऊपर की चीज होगी, जिसको आपका मनोविज्ञान ज्यादा अच्छा बता पाएगा, वो तो कहाँ पहुंच गया मुझे। गीतांजलि जी कुछ ऐड करना चाहती है? नहीं नहीं, वो केजी सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने बीच में डिस्टर्ब किया। जी जी सर, बहुत मुआफी के साथ बोलना चाहूंगा कि रंग कर्म का किसी धर्म, किसी जात और किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। जी जी, इस विश्व में जितने लोग पैदा हुए हैं, जितने अभिनेता पैदा हुए हैं, सबका सांस लेने का तरीका, पॉज लेने का तरीका, बोलने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है, और अभिनय को किसी भी सिद्धांत में बांटा नहीं जा सकता। हर अभिनेता जो है अपने हिसाब से अपने आप को डेवलप करता है। अगर मैं उसको किसी सिद्धांत में बांधूंगा तो कि कोई तराजू नहीं बना है, कोई पैमाना अभिनय का बना नहीं है। अभिनेता पूर्णतः स्वतंत्र है अपने आप में, और वो अपने जो भी चरित्र जीता है वो उसको अपने हिसाब से क्रिएट करता है। जी जी, तो हम जी, ये नहीं कह सकते कि केजी त्रिवेदी ब्राह्मण है तो साहब दलित नहीं कर सकता। ये वो, एक जी, वो जी, सोच बिल्कुल डिफरेंट है सर थिएटर के मामले। थिएटर किसी जात मजहब को नहीं मानता है। एक दिलचस्प इस बात पे मुझे लगता है कि आप लोग उससे जरूर गुजरे होंगे। 1999 में एक फिल्म आई थी समर, श्याम बेनेगल साहब की। जी जी जी, अशोक मिश्रा जी तो आ भी चुके हैं शायद आप लोगों के बीच में। जी बिल्कुल, मैंने देखा। तो एक समर एक फिल्म आई थी, और उसमें उसने एक बहुत बहुत सूक्ष्म तरीके से, बहुत जीवन तरीके से इसको दिखाने, उसकी कहानी में यही है कि एक, आप लोग वाकिफ ही हैं लेकिन मैं उसको थोड़ा सा बता करके फिर हम आते हैं मुद्दे पर, कि उसमें एक दलित गांव में, एक गांव में दलित मध्य प्रदेश में एक गांव में किसी दलित पे अत्याचार हुआ है। 1991 सच्ची घटना है कि दलित पे अत्याचार हुआ है, और उसको एक नए सिरे से उस पर 10 साल बाद मान लीजिए फिल्म बनाई जा रही है। अब क्या है कि इस फिल्म में जो जिस दलित पे अत्याचार हुआ है उसकी भूमिका के लिए एक दलित एक्टर को चुना जाता है, और जिसने अत्याचार किया है किसी ठाकुर ने, उस भूमिका के लिए एक ठाकुर को चुना जाता है।
और इसमें एक तीसरा केंद्र बिंदु भी है जिसमें कि जिस कैरेक्टर पे अत्याचार हुआ है वो भी जीवित है और वो उसको कॉन्स्टेंटली उस शूटिंग को देख रहा है कि उसके कैरेक्टर को कैसे प्ले किया जा रहा है। जी आप लोग सुन पा रहे हैं ना गीतांजलि जी? हाँ जी सर। जी जी जी। और एक चौथी बात ये है कि जो जो दलित उस पुराने 10 साल पहले के दलित को आज वो प्ले कर रहा है जिस कैरेक्टर को, ये दलित एक अंग्रेजी पढ़ा लिखा शहरी दलित है जो उस ग्रामीण दलित पे जिसपे अत्याचार हुआ था उसको वो प्ले कर रहा है। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो जो दलित एक्टर है उस कैरेक्टर को बार बार क्वेश्चन कर रहा है कि ये मैं शायद ऐसा नहीं करता, तो बार बार उसका अपना जो ये जो नया दलित है जो कि उस दलित आइडेंटिटी से बाहर निकलना चाहता है, एक शोषित वंचित हीन दीनहीन, आप समझ रहे हैं, वो तो उसकी एक बौखलाहट है, उसको वो बर्दाश्त नहीं है कि ठाकुर जब उस पे हाथ उठाता है या चप्पल उठाता है तो वो उसके भीतर एक एक्टिंग करते हुए एक दूसरे तरह का प्रतिकार आता है और वो दूसरे तरह से रिएक्ट करता है। और जो रियल कैरेक्टर है जिसके साथ जो जिसका रघुवीर यादव जी ने जिसका बहुत अच्छा उसमें उन्होंने नत्थू की भूमिका निभाई है, वो कहता है कि अरे यार तुम इसको ऐसे कर रहे हो, मैंने तो ऐसा नहीं किया था। वो उसको जज कर रहा है, तुमको पता ही नहीं ऐसे सिचुएशन में क्या होता है। तो ये जो नया दलित है जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा थोड़ा शहरी दलित जिसके अंदर एक एशर्सन है, जिसके अंदर अपना एक तरह का आत्मसम्मान है, वो उस नत्थू के कैरेक्टर में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ एक इसको हम जो जिसको प्रॉब्लम ऑफ एजेंसी कहते हैं कि मतलब जोतन लागे सोतन जाने, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि एक अभिनेता की जाति या एक रंगमंच का या अभिनय का जाति धर्म लिंग वंश क्षेत्र भाषा नहीं होती, मूक अभिनय भी होता है, मूक अभिनय भी होता है जिसमें कि तो भाषा भी नहीं होती, उसमें केवल देह भाषा होती है या तमाम तरह के प्रयोग हुए हैं। लेकिन जैसे ही